स्वादिष्ट और सुगंधित सांबर मसाला की रेसिपी देखते हैं। ओम नमो नारायण दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको मेरे बारे में बताया है, मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करती हूँ, मेरा मायका हैदराबाद है। तो हम यहाँ पर काफ़ी साउथ इंडियन डिशेस बनाते हैं, तो मुझे इस सांबर की रेसिपी का काफ़ी एक्सपीरियंस है। ये मसाला जो मैं बनाती हूँ काफ़ी टेस्टी होता है, तो इसलिए आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप भी इस मसाले को ट्राई कीजिए, जो क्वांटिटी में दिखा रही हूँ उसी क्वांटिटी में आप इसे पीसिए। चलिए देखते हैं रेसिपी। ये है धनिया, साबुत धनिया लेंगे, इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे। लो फ्लेम पर सभी मसालों को भूनना है। चने की दाल भूनेंगे, चने की दाल को भूनने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। चने की दाल और उड़द की दाल से जो सांभर हम बनाते हैं, ये इसमें गाढ़ापन आता है सांभर से, सांभर में इन मसालों से। ये देखिए उड़द की दाल। सभी सामग्री का मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेक कर लीजिए। इसी मात्रा में आप अपने मसाले लीजिए। उड़द की दाल भुन जाने के बाद हम मिर्च लेंगे, यह है सूखी लाल मिर्च। आपको जो भी मिर्च पसंद हो आप ले सकते हैं। ये मैंने लौंगी मिर्च ली है, ये काफ़ी तीखी होती है। बारिश के दिनों में मिर्च थोड़ी सी नरम पड़ जाती है, इसे अच्छी तरह सेक लेंगे तो इसका मॉइस्चर निकल जाएगा और ये थोड़ी कड़क हो जाएगी। इसे भून लेने के बाद हम भूनेंगे जीरा। जीरा को ज़्यादा भूनना नहीं है वरना इसमें कड़वाहट आ जाती है। ये देखिए इतने ही कलर तक हमें भूनना है। थोड़ा सा भून जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। जैसे जैसे आप मसालों को भूनेंगे इसे एक प्लेट में निकालते जाइए, इससे ये ठंडे भी हो जाएंगे। अब हम काली मिर्च को भूनेंगे। ये देखिए हल्का भूनने से इन सभी का मॉइस्चर निकल जाता है और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। फिर हम भूनेंगे मेथी दाना। मेथी दाना का टेस्ट सांभर में काफ़ी अच्छा आता है। मेथी दाना के अपने बेनिफिट्स होते हैं, अपने खाने में ज़रूर मेथी दाना शामिल कीजिए। फिर लेंगे हम राई, सरसों, इसे भी हम लो फ्लेम पर अच्छी तरह भून लेंगे, चटकने नहीं देंगे, ज़्यादा भूनना नहीं है हमें। यह है करी पत्ता। मैंने करी पत्ता को धोकर 2 से 3 दिन तक इसे यूज़ नहीं किया था, इसे सुखा लिया था। अगर आप फ्रेश करी पत्ता ले रहे हैं तो इसे धोकर थोड़ी देर कपड़े पर रख लीजिए, फिर इसे भूनने डाल दीजिए। देखिए इजीली क्रश हो रहा है, इतना हमें इसे भूनना है। जब ये भून जाए तो इसे भी निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और गरम पैन पर ही हम डालेंगे हल्दी पाउडर और हींग। हमें गैस का फ्लेम ऑफ करके ही इसे भूनना है वरना ये जल जाएंगे। 1 मिनट तक हम इसे सेक लेंगे, इससे इसका मॉइस्चर निकल जाएगा और इसका टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा। ये देखिए ये भुन गई है। सभी मसालों को जो हमने भुना है इन्हें हम ठंडा कर लेंगे पूरी तरह से। अगर आप गर्म में ही भुनोगे तो इसका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए इसे मैंने पीस लिया है ठंडा कर। कुछ देर इसे हम ठंडा होने देंगे और इसे एक टाइट डिब्बे में पैक कर रख लेंगे, जिससे इसका टेस्ट बरकरार रहेगा, थोड़ा भी इसकी सुगंध नहीं जाएगी। 4 से 5 लोगों के लिए अगर आप इसे बना रहे हैं तो 3 से 4 चम्मच आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बनाइए इस सांभर को।